हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम याद करेंगे कुछ सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया। सुपरलेटिव ऑफ इंडिया, और ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट टू है। इसके पहले भी इस टॉपिक पर हमने एक वीडियो किया है जिनमें हमने कुछ सुपरलेटिव ऑफ इंडिया को याद किया था। आइए हम इस वीडियो में याद करते हैं कुछ सुपरलेटिव ऑफ इंडिया, जिनमें हमारा पहला है हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, ये है जोग या फिर गरसोप्पा वाटरफॉल। कौन सा? गरसोप्पा वाटरफॉल, यह है कर्नाटक में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बड़ा सा वाटरफॉल का ड्राइंग है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पेड़ जो हैं कितने छोटे दिख रहे हैं, लेकिन ये रियली में इतने छोटे पेड़ नहीं हैं। ये पेड़ काफ़ी बड़े बड़े हैं। आपने पीपल, बरगद ऐसे तो पेड़ देखे ही होंगे, ये पीपल का पेड़ है। कितना बड़ा होता है आप जानते ही हैं, बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन इस वाटरफॉल के सामने, वाटरफॉल की तुलना में कितना छोटा है, देख रहे हैं ना? ये बहुत ही छोटा लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसके सामने बहुत ही बड़ा वाटरफॉल है, इसके तुलना में काफी छोटा लग रहा है। और यहाँ बेचारा बच्चा कितना छोटा है, यहाँ एक आदमी है बहुत ही जवान आदमी, हट्टा कट्टा, फिर भी ये बहुत छोटा लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा वाटरफॉल है। ये कौन सा वाटरफॉल है? गरसोप्पा वाटरफॉल है। और इस जानते हैं इस वाटरफॉल की एक और खास बात है, जो कि बहुत बड़ी खास बात है और यूनिक भी है, कि इस वाटरफॉल से वाटर नहीं गिरता है। क्या नहीं गिरता है? वाटर। और यहाँ से क्या गिरते हैं? सोप गिरते हैं। ये देखिए, रिन सोप गिर रहा है, यहाँ से विम सोप गिर रहा है, यहाँ से लक्स गिर रहा है, ये भी देखिए दूसरा लक्स गिर रहा है, रिन सोप, यहाँ से क्या गिर रहे हैं? केवल सोप गिर रहे हैं। क्या? सोप। सोप से हम याद कर लेंगे गरसोप्पा, सोप से गरसोप्पा। और ये क्या है? हाईएस्ट वाटरफॉल है। तो अभी हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा लॉन्गेस्ट कॉरिडोर। लॉन्गेस्ट कॉरिडोर है रामनाथ स्वामी टेम्पल का, और यह है रामेश्वरम में। कौन सा टेम्पल? रामनाथ स्वामी टेम्पल। तो जानते हैं रामनाथ स्वामी टेम्पल के हर एक ईंट पर क्या लिखा गया है? राम लिखा गया है। क्या? राम। ये देखिए दूसरा राम, इस तरह से तीसरा राम, क्या लिखा गया है? राम हर ईंट पर लिखा गया है। और ये इतना बड़ा कॉरिडोर है, इंडिया का सबसे लंबा कॉरिडोर है, और इसके हर ईंट पर अगर राम लिखा जाए तो इसमें आपको कितना समय लेगा? बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, बहुत ही हाई टाइम कंज्यूम करेगा। तो आप सोच सकते हैं कितना लंबा कॉरिडोर है। यहाँ से देखिए इस तरह से गया है, यहाँ से ऐसे 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 यहाँ तक गया है, और ये बहुत लंबा कॉरिडोर है, इंडिया का सबसे लंबा कॉरिडोर है। कौन? किसका? रामनाथ स्वामी का। इस राम से हम सिंपली याद कर लेंगे रामनाथ स्वामी टेम्पल, और ये कहाँ है? रामेश्वर। राम से ही हम रामेश्वरम याद कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट रिवर। लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा। लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा। ये तो नॉर्मली सबको मालूम ही होगा, गंगा का तो नाम लगभग सब कोई जानता ही है इंडिया में, जो ना जानता हो उसके लिए तो बहुत अलग ही बात है। गंगा बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है इंडिया में, और ये काफी फेमस रिवर है। ये देखिए इसे याद कर सकते हैं सिंपली, यहाँ देखिए ये कॉरिडोर बहुत लंबा है। इस कॉरिडोर के बगल बगल से देखिए बहते हुए कौन सी नदी आ रही है? ये आ रही है गंगा नदी, और इस तरह से बहते बहते देखिए कितनी दूर तक आई है, कितनी दूर तक, कैसी लंबी है ये, कैसी नदी है ये? बहुत लंबी नदी है, इंडिया की सबसे लंबी नदी है। तो इसे हम सिंपली याद कर लेंगे लॉन्गेस्ट रिवर गंगा। इस पर आपको ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ये सभी लोगों को याद ही रहती है। इसके बाद है नेक्स्ट लॉन्गेस्ट कैनाल। लॉन्गेस्ट कैनाल है इंदिरा गांधी कैनाल, और यह है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान। तो जानते हैं इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है जो कि बहुत ही ईजी है और आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। लॉन्गेस्ट कैनाल है इंदिरा गांधी कैनाल। तो जानते हैं इसका इंदिरा गांधी कैनाल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका निर्माण इंदिरा गांधी ने कराया था। जानते हैं राजस्थान में, आप तो जानते ही होंगे राजस्थान में पानी की कमी है, वहाँ रेगिस्तान है, सूखे की प्रॉब्लम रहती है। तो आज के बहुत साल पहले जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उस समय वहाँ के लोगों ने काफ़ी गुहार लगाई इंदिरा गांधी के पास, क्योंकि उस समय सूखा का बहुत ज़्यादा प्रकोप था। उन्होंने कहा कि किसी तरह से कैनाल बनाओ और हमारे राज्य को बचाओ। तो इंदिरा गांधी ने मंजूरी दे दी, तो कैनाल बनने लगा, कैनाल बनने लगा। तो कैनाल बहुत इलाकों में बना, कुछ डिस्ट्रिक्ट में, कुछ डिस्ट्रिक्ट की लंबाई तय की गई, तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग वहां आ गए। किस लिए?
कि हमारे इलाके में भी कैनाल बनाओ और इस कैनाल को और लंबा करो। देखिए कैनाल और लंबा हो रहा है। तो ऐसा बात है कि राजस्थान इंडिया की सबसे बड़ी राज्य है, राजस्थान इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है। तो वहां पे अगर कैनाल बनाया जाए, हर डिस्ट्रिक्ट से गुजारा जाए, तो वह कैसा बन जाएगा कैनाल? बहुत लंबा बन जाएगा, इंडिया का सबसे लंबा कैनाल बन जाएगा। कैसा कैनाल? इंडिया का सबसे लंबा कैनाल बन जाएगा। और ऐसे करते करते ये इंडिया का सबसे लंबा कैनाल बन गया, क्योंकि इसे हर डिस्ट्रिक्ट से गुजारा गया, हर इलाके से गुजारा गया, तो ये बन गया इंडिया का लॉन्गेस्ट कैनाल। इसके बाद नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर का, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, यह है यूपी में। इसे हम सिंपली याद कर सकते हैं गोरा गोरा से। ये देखिए ही गोरा गोरा कर रहा है, किस लिए कर रहा है? क्योंकि जानते हैं गोरखपुर स्टेशन में जितने भी स्टाफ्स होते हैं वो कैसे होते हैं? गोरे होते हैं। कैसे? गोरे, काफी गोरे होते हैं। वहां सभी स्टाफ्स को गोरे लिया, गोरे सिलेक्शन ही किया जाता है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर जितने भी स्टाफ काम करते हैं गोरखपुर में वो कैसे होते हैं? गोरे होते हैं। रेलवे के हर आदमी, रेलवे का ड्राइवर, रेलवे के स्टाफ, टीटी, सब जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं? गोरे। तो हम गोरे से सिंपली याद कर सकते हैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन। ये क्या है? लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। तो ये था वीडियो हमारा सुपरलेटिव ऑफ इंडिया पर। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।